साधना टीवी से मैं हूं राजा भैया पाल, आपकी अदालत का खास कवरेज बुंदेलखंड की ओर। मैं इस आपकी अदालत के खास प्रोग्राम में जैसा कि आपको बताना चाहूंगा, आज उत्तर प्रदेश में जहां एक मतदाताओं ईवीएम मशीन पर जो उनका हक है उस हक को छीना जा रहा है, उस हक पर दमन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्या कहना चाहेंगे राजा भैया जी? सबसे पहले तो मैं साधना टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए कि एक ऐसा संवेदनशील मुद्दे पर आपने बहस छेड़ी है जहां पूरे हिंदुस्तान की मीडिया, खास तौर से चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आज ये बात को बजाय आप इसका प्रेशर कर रहे हैं। और मैं तमाम सारे जो बड़ी बड़ी मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, जो नंबर वन के हिंदुस्तान के चैनल हैं, वो उन चैनलों को इस जनता की आवाज़ को मैं कहूँगा उठाना चाहिए, बल्कि उनको दबाने का प्रयास चल रहा है। धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे जो नगर निकाय के चुनाव हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो जनता का वोट है और वोट से अपना भावी भविष्य को बनाने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का जो मौका मिलता है, उसमें ये बहस उस समय विधानसभा के चुनाव में भी ये बात आई थी कि 325 जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी कि ये उत्तर प्रदेश का एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये मैंडेट जो स्पष्ट बहुमत का मैंडेट इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, महज आज एक शक की दृष्टि कि शायद अब सोचने लगे हैं कि ये महज लोगों का शक नहीं, ये अब शक जो है हकीकत के रूप में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज कानपुर की बात करें हम, कानपुर में जिस तरह का ईवीएम मशीन में देखा गया कि हम किसी चाहे अमुक निशान हाथी के निशान को दबा रहे हों, चाहे हम साइकिल के निशान को दबा रहे हों, लेकिन जो पर्ची निकलती है वो पर्ची निकलती है भारतीय जनता पार्टी के निशान, कमल निशान की। तो जिस तरह का ये बड़े स्तर पर जो जापान से मशीनें मंगाई हैं और मशीनों को जो असेंबल इन्होंने गुजरात में कराया है, उन्होंने असेंबलिंग करके वहाँ से नहीं लाए हैं, वहाँ से पार्ट लाए हैं, और पार्ट ला करके जो एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जिसकी है, जो हम जिसका नाम हिंदुस्तान लेवल पर SCL कंपनी है, जिसके आप जानते हैं जाने माने डायरेक्टर नादर साहब हैं, शिव नादर जी, उन्होंने इसका उनके पास ठेका था। और इसमें ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको सेट करना कि अगर 100 वोट के बाद सेट करना है, 20 वोट के बाद सेट करना है, 25 वोट के बाद सेट करना है, और एक ये भी कि परसेंटेज वाइज भी सेट हो जाता है कि सारे वोट डाल दीजिए आपका, अगर 25% का मार्जिन निकाल के, 25% का सभी पार्टियों का मार्जिन निकाल के बीजेपी पक्ष में करना है तो वो भी सारे पार्टियों का 25% माइनस होकर के और बीजेपी की निशान को, बीजेपी का जो निशान है, बीजेपी का बहुमत के आधार पर 25% सारी पार्टियों का कट होकर के वो खाते में चला जाएगा बीजेपी के। तो आज हमारी इस आपकी साधना टीवी के माध्यम से मेरी जनता से अपील है, पुरजोर अपील है कि इसको हर मशीन को अपने अपने पोलिंग बूथ पर एक एक मशीन को चेक करने के बाद वोटिंग कराई जाए। और ये जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता अगर जागरूक इस मुद्दे पर नहीं होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, पहले तो मंदिर मस्जिद के नाम पर सांप्रदायिक फैलाने का काम किया इन्होंने, अब ये हमारे वोट का छलावा करने का काम कर रहे हैं, और विदेशी नीति को अपना करके जहाँ ये मशीनें बन रही हैं, जहाँ ये मशीनें बनाई जा रही हैं, वो देश इस पॉलिसी को एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो देश इससे ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं कर रहे हो, चाहे जापान हो चाहे इटली हो, वो सारे के सारे देश वही हमारी प्रक्रिया से, जो हमारी प्रक्रिया मोहर वाली है, बैलेट पेपर वाली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपना रहे हैं। इसलिए इसमें बहुत ही घपला होने की संभावना है और लोगों के वोट को छलने छलावे होने की संभावना है। इसलिए आगे आने वाले समय में मैं समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, ये मैं सरकार से अपील करूंगा और सभी दलों से भी अनुरोध करूंगा कि आने वाले चुनाव में, ये तो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, लेकिन जब हमारा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो, उन चुनाव में अब हमें केवल और केवल बैलेट पेपर को ही मान्यता देनी चाहिए। और बैलेट पेपर से भले ही हमें 2 दिन और 3 दिन गिनती में लगते हैं, हम वो 2-3 दिन, लेकिन किसी की भावनाओं को, किसी के हम जो वोट और व्यक्ति के वोट और बेटी का रिश्ता होता है जितनी,
हमारे लिए आदर सम्मानित हम अपनी बेटी को देखते हैं, उसी तरह से हमें अपनी वोट की रक्षा करना चाहिए और उस वोट का भी उपयोग उसी तरह से हमें उसकी रक्षा इस स्तर पर करना चाहिए। और इस वोट को किस तरह से छलावे का, किस रणनीति के तहत छलावे का काम हो रहा है, इसलिए मैं आज के मौके पर खास तौर से आपको बधाई देते हुए, साधना टीवी को बधाई देते हुए कि उन्होंने, आपने इस आवाज़ को बुलंद किया है और उठाया है। बुंदेलखंड में ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश, आपके मध्य प्रदेश में ही एक मामला आया था भिंड का, हालांकि वहाँ कांग्रेस के लोगों ने बड़ा विरोध किया और उसको मशीनें बदलवाई और मशीनें बदली, और हमें खुशी है कि जागरूक वहाँ का वोटर, जागरूक मतदाता जागरूक हुआ और वहाँ कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की, कांग्रेस जीत गई वो उपचुनाव। बल्कि उपचुनाव में जिसकी सरकार होती है 90% मैंडेट उस तरफ जाता है, सारी सरकार की शक्तियाँ लग गई, सारे मंत्री लग गए, लेकिन वहाँ की जनता जागरूक थी और पुरजोर विरोध किया और वो भिंड से कांग्रेस की सीट भारी बहुमत से जीत करके आई। हमें अभी भी भरोसा है, अभी भी भरोसा है कि अगर जनता जागरूक रहेगी तो ये उनकी